आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 7 जुलाई को सागर शहर के विभिन्न मंदिरों से भगवान जगन्नाथ और श्री कृष्ण राधा रानी संग रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अभिषेक स्नान के बाद जगत के स्वामी की तबीयत खराब हो गई थी, जिनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और 7 जुलाई को पूर्ण स्वस्थ होने के बाद शाम को बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर विभिन्न जगन्नाथ मंदिरों से भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए भ्रमण पर निकलेंगे, जिसके लिए शहर के विभिन्न जगन्नाथ मंदिरों में प्रबंधन समितियों द्वारा रथ यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? लाइफ टाइम चलने वाली 3D यूवी मार्बल की आकर्षक दीवार डेको स्टार द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन आज ही संपर्क करें। शहर में करीब 1 दर्जन से ज्यादा रथ यात्राएं निकलेंगी। गोपालगंज स्थित वृंदावन बाग मठ से प्राचीन परंपरागत तरीके से भगवान की रथ यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर के महंत नरहरिदास ने बताया कि इस बार रथ यात्रा में शामिल होने के लिए साधु संतों का आगमन शुरू हो गया है, जिनके रुकने की व्यवस्था मंदिर परिसर में की गई है। रथ यात्रा में 1 हाथी 2 घोड़े 1 डमरू दल 1 बैंड पार्टी के साथ ध्वज पताकाएं साथ चलेंगी। यात्रा शाम 4 बजे से शुरू होगी। गुलाब व मोगरा के फूलों से ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाएगा। गेंदे के फूलों से रथ सजेगा। यात्रा समाप्ति के बाद ठाकुर जी आरती व नजर उतारी जाएगी। मूंग की दाल गुड़ एवं फलों का भोग लगाकर भक्तों में प्रसादी का वितरण। वहीं 160 साल के इतिहास में पहली बार ठाकुर जी मंदिर में निर्माण कराए गए पथ से वापस आएंगे। मुख्य नक्षत्र में मंगल प्रवेश करेंगे। वहीं इसके अलावा इसमें से सागर का वृंदावन कहे जाने वाले बड़ा बाजार क्षेत्र से ही करीब 0.5 दर्जन से अधिक रथ यात्रा निकलती है, जिसमें मुख्य रूप से बराम बाग मंदिर, बिहारी जी मंदिर, श्री देवराधा माधवलाल गेड़ा जी मंदिर, चक्रा घाट स्थित धनुषधारी मंदिर, केशवगंज वार्ड स्थित राधा कृष्ण मंदिर, वृंदावन बाग मंदिर, साहू समाज सत्यनारायण मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों से भगवान रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जैसा कि परंपरागत रथ यात्रा जो मनाई जाती है, समझ पूरे भारत में बड़ा उत्साह का आनंद रहेगा और वृंदावन बाग सागर में जो प्राचीन परंपरा है, विगत 160 वर्ष पुरानी परंपरा को कल निर्वाहन के रूप में किया जाएगा। इसमें कल विशेष तौर पर यह रहेगा कि तृतीया को जो रथ तो प्रारंभ होगी, मंदिर के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए पहली बार रथ यात्रा अपने निज मार्ग से ही मंदिर वापस लौटेगी। जैसा कि आपने देखा है, परिक्रमा मार्ग का निर्माण हो रहा है, उसी मार्ग से वापस आएगी और पुक नक्षत्र में ये गज यात्रा और रथ यात्रा मंदिर में जो प्रवेश करेगी, तो ये अपितु ये कार्य भी अपने आप में सफल और सिद्ध होगा। जो ये सागर नगर का गौरव स्थान जो है सागरवासियों को समर्पित करने के लिए ये परिक्रमा मार्ग जो बनाया जा रहा है, ठाकुर जी की परिक्रमा चारों भक्त लोग करेंगे, तो पुक नक्षत्र में सर्वप्रथम गज मार्ग और रथ मार्ग से ही प्रारंभ होगा और ये सभी भक्तों के पदचरणों से भी ये शोभान्वित होगा और ये सफल कार्य होगा। इसमें दूर दूर से साधु संत भी आए हैं, वो भी आई परंपरागत जो परिस्थिति यहाँ पर है, उत्तर और मध्य भारत का विशिष्ट मठ है, तो अभी भी भारत से विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न तीर्थों से संतों का पदार्पण प्रारंभ हो गया है और कल तक और संतों की जमातें जो पधारेंगी तो यह भक्तों को दर्शन देगी और भक्त उनको दर्शन लाभ प्राप्त करके अपने आप कृत करेंगे। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? दीवालों पर सेडन दीमक से परेशान हैं? तो आपके लिए माँ शारदा एंटरप्राइजेज लेके आया है आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D यूवी मार्बल की आकर्षक दीवार डेको स्टार द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन आज ही संपर्क करें। माँ शारदा एंटरप्राइजेज सत्यनारायण मंदिर की घटिया के सामने, पुराना स्टेट बैंक हॉल, बड़ा बाजार सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 7000624396 9691987669।